निपाणी तहसीलदार कार्यालयासमोर NRC आणि CAA केंद्र सरकारच्या कायदा विरोधात राष्ट्रव्यापी धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती बहुजन क्रांती मोर्चाचे जिल्हा संचालक जरार खान पठाण यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली. निपाणी येथे शासकीय विश्रामगृहात दिनांक 8 जानेवारी 2020 रोजी बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या अंतर्गत सकाळी 11 ते 4 या वेळेत निपाणी तहसीलदार कार्यालयासमोर NRC आणि CAA या केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या विरोधात आणि DNA आधारित NRC च्या समर्थनार्थ 550 जिल्ह्यात व 4500 तहसीलदार कार्यालयात एकाच वेळी राष्ट्रव्यापी धरणे आंदोलन व रॅली प्रदर्शन करण्यात येणार आहे अशी माहिती बहुजन क्रांती मोर्चाचे जिल्हा संयोजक जरार खान पठाण यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. ते पुढे म्हणाले, या देशामध्ये NRC व CAA मधून मूल निवासी SC ST OBC व अल्पसंख्याक समाजामध्ये असंतोष माजवण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणला जात आहे. हा कायदा घटनेच्या विरोधात असून संविधानानुसार कलम 14 नुसार भारत देशाच्या हद्दीत राहणारे सर्व लोकांना जात पात, लिंग, भाषा, स्त्री पुरुष या सर्वांना समान दर्जा व समान कायदा संविधानाच्या माध्यमातून मिळतो. पण NRC व CAA या कायद्याच्या माध्यमातून संविधानावर हल्ला होत आहे. याच्या विरोधात निपाणी तहसीलदार कार्यालयाच्या समोर बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती पठाणांनी दिली. आपका सर कल स्ट्राइक करने का मुद्दा क्या है? मेन हमारा मुद्दा यही रहेगा सर कि NRC को अगर लागू करना है तो हम डिमांड करते हैं कि DNA टेस्टिंग के आधार पर आप लोग NRC लागू करें और हम लोग पूरा बहुजन समाज, भारत का मूल निवासी समाज इसके लिए तैयार होगा. और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से करते हैं या फिर आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग जरिए से करते हैं या नेचुरलाइजेशन से करते हैं तो हमारा इसको मरते दम तक विरोध रहेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से बहुजन समाज को बहुत बुरा असर होने वाला है. कल आपका सर हम लोगों ने पूरे 4000 जातियों के लोगों को इनवाइट किया है, सोशल मीडिया के जरिए से इनवाइट किया है, और यहाँ पर जितनी भी बहुजन समाज की जातियां हैं उन लोगों को जाकर, उनके लीडर्स को जाकर मुलाकात की है, उनको इनवाइट. सब पूरा बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने, देश में जो बड़े पैमाने पर SC ST आदिवासी NT VJNT और DNT तक के हैं वो भी NRC के लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और आने वाले समय में इन सबको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ेगा. NRC पूरे देश में लागू हो सकता है, हो जाता है, तो ये सब चिंता का विषय है. NRC का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे किसी एक धर्म के लोगों को तकलीफ है, बल्कि हमारा NRC को विरोध करने का मकसद ये है कि इससे देश का संविधान खतरे में है, इससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी और बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और बड़े पैमाने पर करप्शन बढ़ेगा. यावेळी या पत्रकार परिषदेस मोहम्मद हुसेन काजीम, सचिन मधाळे, दीपक कांबळे, गौस हुसेन पठाण, शरीफ राजेसाब व्यापारी, इकबाल हुसेन बागवान, अमजाद अली मुजावर, अनवर बागवान, फारूक गौंडी, कुतुबुद्दीन हदाले आदी उपस्थित होते.